हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं रवा इडली और पीनट चटनी। ये ब्रेकफास्ट का बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। चलिए बनाते हैं। तो इडली के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है सूजी, और इसके साथ हमने ले लिया है 150 ml दही। तो इसको हम बैटर बनाने वाले हैं। तो सूजी में हमने दही डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि इसको मेरे को थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रखना है, जैसे 10 to 15 minutes। तो बस ऐसे ही हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर दे रहे हैं दही के साथ, एंड इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं हम, ताकि थोड़ा मिक्स होने में आसानी हो जाए। बस ये फूल के और बहुत सारा हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे मिक्स कर दिया और आधी चम्मच हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। और अब हम इसको ढक के प्लेट से इसको रख देते हैं 10 to 15 minutes के लिए और साथ ही साथ हम बाकी पीनट जो चटनी बनानी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमने 250 ग्राम डाल दी है पीनट्स, मूंगफली, और इसको हम फ्राई कर लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं हम इसको। इसमें ना तेल डालना है ना कुछ डालना है, बस रोस्ट कर लेते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हम एक और छोटा सा पैन चढ़ाया है, इसमें हम एक छोटा सा तड़का बनाएंगे जो हम डालने वाले हैं सूजी में। तो इसके लिए हमने घी यूज़ की है, हमने यहाँ पे हर जगह थोड़ी थोड़ी घी ही यूज़ की है। तो घी डाल दी हमने, इसमें हम डाल रहे हैं आधी चम्मच सरसों, और सरसों के बाद हम इसमें डालने वाले हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के बाद हम इसमें डालेंगे चने की दाल एक चम्मच, और एक चम्मच हमने उड़द की दाल डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कैश्यू, काजू डालेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस कैश्यू से इडली में, एंड काफ़ी हेल्दी सा इडली बन जाएगा। तो कैश्यू डाल दिया हमने, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का ब्राउनिश हो जाएगा, फिर हम इसको उठा के उसमें डाल देंगे जो सूजी हमने रखी थी। इसको हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके अब हम इसको प्रॉपर बैटर बनाएंगे। अब हम इसमें पानी मिक्स करने वाले हैं। पानी डाल के अब हम इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी पतली कर लेंगे, ताकि इडली का जैसा बैटर होता है ना, वैसा हमें बनाना है इसको। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं एंड साथ में मिक्स कर रहे हैं, और इसका एक अच्छा बैटर बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा बैटर रेडी है, ये इडली के लिए एकदम सही कंसिस्टेंसी है। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में, और इसके बाद हम पीनट्स हमने फ्राई की थी ना, तो इसको हमें इसका जो ऊपर का जो छिलका है ये निकालना है। तो कुछ इस तरह से आप रब करेंगे तो ये सारा छिलका इसका निकल जाएगा। तो अब हम ये करके फिर आपसे मिलते हैं। तो ये हमने क्लीन कर लिया है, इसका सारा जो छिलका ऊपर का था ये सब निकाल दिया है। अब हम फिर से इडली की तरफ चलते हैं। इडली का जो बैटर है इसमें हमें थोड़ा सा सोडा मिक्स करना है, ताकि हमारी जो इडली है वो अच्छे से फूले। तो इसलिए हमने यहाँ डाल दी आधी चम्मच सोडा, जो कुकिंग सोडा होती है वो। तो ये सोडा डाल के हमने मिक्स कर दिया। अब सोडा डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं वेट करना है, बस इसको अब हमें गैस पे चढ़ाना है। तो बर्तन हमने पानी डाल के चढ़ा दिया है इडली की गर्म होने के लिए, और ये जो मोल्ड है इडली का, अब इसमें इसको हम थोड़ा सा घी के साथ ही ग्रीस कर ले रहे हैं, और इसके बाद हम इसमें बैटर डालना शुरू करेंगे। तो बैटर हमें पूरा भर भर के नहीं डालना है, क्योंकि इडली भी फूलेगी तो ये ऊपर और बड़ा हो जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा हमने खाली रखा हुआ है, और इसमें हम बैटर डाल ले रहे हैं। तो ये मेरी एक प्लेट रेडी हो गई, अब दूसरी में भी हम डाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा इडली बनेगा ये, मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता ब्रेकफास्ट के लिए, आराम से आप बना सकते हैं। तो ये हमने कर दिया, और इसके बाद हमने फिर से एक पैन चढ़ाया है गैस पे,
इसमें मेरे को चटनी के लिए कुछ चीज़ें फ्राई करनी है, तो ये हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा घी, अब मेरे पास जो हमने कुछ लहसुन, एक 5 से 7 लहसुन की कलियां छिल के रखी थी, बस वो डाल दी इसमें, एक हमने डाल दी हरी मिर्च और आधी हमने डाली है इसमें प्याज, तो बस रफली चॉप किया और हमने मिक्स किया है। अगर आप चटनी थोड़ी तीखी खाते हैं तो फिर आप मिर्ची एक और डाल लीजिएगा। तो फिर ये बस हल्का सा इसको कच्चापन इसका निकालना है, ज़्यादा कुछ फ्राई नहीं करना है, तो बस लाइटली हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया है फ्राई, और अब हम चटनी बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जार, और जार में हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे ये पहले ये चीज़ हम जो हमने फ्राई किया है ये हम डाल देते हैं जार में। इसके बाद हम डाल रहे हैं थोड़ा सा पुदीना, पुदीना आप डालना चाहें तो डाल लें थोड़ा सा पुदीना, पुदीना पीनट के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और इसके बाद हमने डाल दिया इसमें आधी कटोरी हरा धनिया, और अब हम डाल रहे हैं इसमें पीनट्स जो हमने छील के रखा था, पीनट के बाद हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर। आमचूर की जगह नॉर्मली चटनी में यूज़ होती है इमली, लेकिन हम आमचूर यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे को हल्की खट्टा खट्टा चाहिए होता है, तो अगर आप चाहें तो आप इमली यूज़ कर लें। तो ये हमने डाल दिया, अब हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा फाइन पेस्ट बन गया है चटनी का, एकदम तैयार है। तो अब हम एक पैन चढ़ा रहे हैं फिर से गैस के ऊपर, छोटा सा तड़का बनाना है मेरे को चटनी में डालने के लिए, तो फिर से हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं घी, बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला है हमने। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं सरसों, ये सरसों है तो आधी चम्मच सरसों, इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें कड़ी पत्ता, बस इसको फ्राई कर लिया। इसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, तो फिर हमने बस इतना ही डाला है और चटनी के साथ इसमें मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये मिक्स हो गया, मेरी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं, तो चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इडली को देख लेते हैं, इडली भी ऑलमोस्ट रेडी है, अब हमें इसको निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये एकदम प्लेट के मतलब जितना हमने बैटर डाला था ये भर गया है, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा इडली बनता है जब आप इसमें थोड़ा सा सोडा मिक्स कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप रवा इडली, एक तो इतनी हेल्दी इडली बन जाती है, इसमें हमने सारी हेल्दी चीज़ें डाली है, और दूसरा देखने में भी कितना अच्छा लगता है, और इंस्टेंट है, ऐसा भी नहीं है कि इसमें पहले से आपको कुछ करना है, बस उसी वक्त आपने शुरू किया और बन जाएगा, तो बस बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं इसको। तो ये है मेरी चटनी, अब इसके बाद हम यहाँ पे इडली रख रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना यम्मी डिलीशियस बना है। डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिएगा, आई एम वेरी श्योर आप, आपके बच्चे सबको बहुत पसंद आएगा। जो प्लेन इडली होती है वो फिर भी बच्चे नहीं पसंद करते, बट ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ बन के तैयार है, ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।